देखो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं <coughs> फोर्थ चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर सिंगल पावर हो जैसे एक्स की पावर भी वन हो वाई की पावर भी क्या हो वन हो जिस भी वेरिएबल्स ये हमारे एक्स वाई जेड a, b, c ये सारे वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल की कितनी पावर होगी आई एस वन पावर और टू वेरिएबल होंगे इसमें एक्स वाई होंगे या वाई जेड या ए बी सिर्फ टू वेरिएबल होंगे और उनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी वन तो ये होते हैं इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल देखो क्वेश्चन करते हैं जैसे फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन नोटबुक की जो कोस्ट है वो क्या है दुगनी है किससे कोस्ट ऑफ है पेन से पेन की कोस्ट से डबल है राइट एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है देखो सबसे पहले एक नोटबुक है और एक पेन है हम मान लेते हैं लेट लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एक नोटबुक की कॉस्ट हम क्या मान लेते हैं एक्स रुपीज कॉस्ट ऑफ ए पेन मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन एक पेन की कॉस्ट हम मान लेते हैं वाई रुपीज ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन हमें क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है किससे कॉस्ट ऑफ पेन से दोगुनी कॉस्ट है उसकी तो नोटबुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल है पेन की कोस्ट के डबल के तो टू वाई के इक्वल ठीक है मान लो नोटबुक की कॉस्ट फिफ्टी रुपीज़ है तो पेन की कॉस्ट कितनी होगी ट्वेंटी फाइव रुपीज तो क्या करेंगे दोनों को इक्वल पुट करने के लिए ट्वेंटी फाइव से पेन की कोस्ट की टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही किया हमने दोनों की कोस्ट क्या आ जाएगी फिर इक्वल ठीक है अब देखो x इज इक्वल टू टू वाई आ गया हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ से टू वाई को इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन हमारी वेरिएबल कितने है? इसमें टू तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस ए बी सी की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है जैसे देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार फाइव के ऊपर बार है पहले इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव इज इक्वल टू जीरो सारी वैल्यू एक साइड रखेंगे इज इक्वल टू में क्या रखेंगे जीरो फिर उसको कंपेयर करेंगे सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे कंपेयर इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे हम इसको ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करेंगे अब ए की वैल्यू क्या होगी एक्स का कोफिशियंट है ए एक्स का कोफिशियंट क्या है टू तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू b की वैल्यू भी निकाल लेंगे y का कोफिसियंट बी तो y का कोफिसियंट इस इक्वेशन में कितना है थ्री कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें x और y कोई भी वेरिएबल नहीं है c क्या बचा हमारा ये साइन का भी ध्यान रखेंगे माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार ये आ जाएंगे हमारी ए पी सी की वैल्यू और ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी की फॉर्म में हमने इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ऐसे करना है इक्वेशन देखो और पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस वाई बाई फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन दे रखी है सारी वैल्यू एक तरफ है इनको कंपेयर कर देंगे ये पहले ही ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी की फॉर्म में है तो कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर इट विद किससे कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से इसको कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा देन ए की वैल्यू एक्स का कोफिशियंट एक्स के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो क्या है वन ए की वैल्यू वन आ जाएगी बी की वैल्यू वाई के मल्टीप्लाई में वाई का कोफिशियंट क्या है? यहाँ पे देखो माइनस का साइन और वन बाय फाइव तो माइनस वन बाय फाइव सी की वैल्यू माइनस टेन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टेन इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने देखो और पार्ट करते हैं जैसे इसका फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है एक्स टू एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव वाई माइनस फाइव वाई को इस साइड लेके आएंगे तो टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ज़ीरो कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर इट विद किससे कम्पेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो ए एक्स ए का एक्स को, का कोफिशियंट कितना है टू तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से टू बी की वैल्यू निकाल देंगे वाई का कोफिशियंट क्या है फाइव बी की वैल्यू फाइव सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ऐसे करेंगे देखो और क्वेश्चन करते हैं जैसे इसका सेवन्थ पार्ट दे रखा है हमें सेवन्थ पार्ट में क्या दे रखा है सेवन्थ पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते हैं कंपेयर इट विद किससे कंपेयर करेंगे हम इसको ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स का कोफिशियंट एक्स की टर्म है ही नहीं इसमें तो एक्स का कोफिशियंट क्या है जीरो तो एक्स की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ज़ीरो बी वाई का कोफ़िशेंट वाई के मल्टीप्लाई में वन है तो वाई का कोफ़िशेंट वन सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस टू तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू